आज की वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 4000 रुपए के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप 3 तरीके सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका कि आप फार्मूले सॉल्व करिए, और दूसरा तरीका बिना फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं, और तीसरा तरीका यह है कि प्रतिशत जनसंख्या के कॉन्सेप्ट से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिशत जनसंख्या के कॉन्सेप्ट से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा और वो बिना फार्मूले से। ठीक है, एक ही तरीका बताऊंगा और वो भी बिना फार्मूले से। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक, इसमें समय कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया। आप यहां से लिख लीजिए, आप इस तरह से करिए, लिख लीजिए 2 बार। ठीक है, समय 2 वर्ष दिया तो मैंने क्या करे, इस तरह से 1-2 लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या, आपको पूरे धन पे क्या होगा, कितना ब्याज बनेगा, 10% के हिसाब से ब्याज बनेगा। यानी पहले साल में पूरे धन पे कितना ब्याज बनेगा, 10% ब्याज बनेगा। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 400 मिलेगा। आप यहां से लिख लीजिए कितना होगी, 400 रुपए ब्याज बनेगा। ठीक है, जैसे आप अगले साल में एंट्री करें तो फिर आपको कितना ब्याज बनेगा, 400 फिर ब्याज बनेगा, क्योंकि दर वही है, फिर कितना ब्याज बन जाएगा, 400 आपको फिर ब्याज बन जाएगा। ठीक है, आपने जैसे दूसरे साल में एंट्री किया तो फिर आपको ब्याज कितना बनेगा, इतना आपका फिर ब्याज बन गया। लेकिन आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज बनता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज बनता है, जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस पर ब्याज आपका बनेगा। जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे तो ये ब्याज तो आपका बनेगा ही, लेकिन जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस पर भी ब्याज आपका बनेगा, और ब्याज की दर कितना, 10%। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब करना है कि इन दोनों को जोड़ लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों को जोड़ें कितना आ जाएगी, 840 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात आप बता सकते कि आपको ये पता चले सीआई कितना है, 840 रुपए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बिना फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या, आपको जितना समय दिया आप यहाँ से 1 वर्ष दिया, 2 वर्ष दिया, इस तरह से लिख लेंगे। अब आपको ये चेक करना है कि मूलधन इतना है और दर इतनी है, तो पहले वर्ष में क्या होगा, पूरे धन पे कितना, 10% ब्याज बनेगा। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो 400 आपको मिलेगा। जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करें तो फिर आपको ये 400 ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, इसमें होता क्या, ब्याज पर ब्याज बनता है, यानी इस पर भी ब्याज आपका बनेगा, इस पर भी क्या होगा, आपका ब्याज बनेगा, और दर कितनी है, 10%। इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 रुपए जाएगा। अब करना है कि इन सभी को जोड़ लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2420 रुपए हो जाए। यानी आपको ये क्या दिया है, मिश्र धन आपको दिया है, ये आपको क्या दिया है, मिश्र धन दिया है। कोई धन राशि रही होगी जिसे 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जा रहा है, तो 2 वर्ष बाद वो राशि कितना हो जा रही, 2420 रुपए हो जा रही, यानी एक तरह से मिश्र धन है। तो प्रश्न पूछा है कि वो राशि आपसे पूछा गया। ठीक है, तो कैसा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम लोग मान लें जो भी राशि रहेगी अपने आप में क्या रहेगी, 100% रही होगी। जो भी राशि रहेगी अपने आप में क्या, 100% रही होगी। ठीक है, अब इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, यानी प्रतिवर्ष कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। तो 2 साल बाद बढ़कर, यानी 1 साल हो गया, फिर ये अगला साल हो गया, ये 2 साल बाद बढ़कर ये राशि कितना हो जा रही है, जो भी राशि रही होगी 2 साल बाद बढ़कर कितना हो जा रही है, यहाँ से कितना हो जा रही है, 2420 रुपए हो जाएगी। तो प्रश्न पूछा कि ये राशि कितनी है, इस क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा। ठीक है, तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, जो भी धन रहा अपने आप 100%, अगर इसमें 10% की वृद्धि हो गई तो अगले साल बढ़कर कितना हो जाएगी, 110% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। अब आप 110% को क्या कर सकते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 दे देगा, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा क्या दे देगा, 100 दे देगा। कितना मिल गया आपको यहाँ से, 11/10 मिल गया। ठीक है, अब करना है कि इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो मूलधन दिया आप यहाँ पे लिख लीजिए, जो मूलधन दिया आप यहाँ से क्या करिए, लिख लीजिए। आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए आपको फिगर बनाया हूँ। ठीक है, जो मूलधन दिया आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कितने की वृद्धि हो रही, इतने की वृद्धि हो रही है। आपसे जानना क्या चाह रही है, पहले का राशि जानना चाह रहे हैं, यानी 2 साल पहले की राशि जानना चाह रहे हैं। तो करना है कि इसको पलट के क्या करिए, आप इसमें 2 बार गुणा कर लिए, इसको पलट कर इसमें क्या करिए, आप 2 बार गुणा कर लीजिए। अगर आप इससे पलट देंगे तो कितना मिल जाएगा, इतना मिलेगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 10/11। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया, एक बार आपको फिर से बताता हूँ। ठीक है, जो राशि दी आप यहाँ पे लिखे, और कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, यानी कह सकते 110% हो गया। 110% को आप इस तरह लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 11/10 कर सकते। अगर ये पहले की राशि जानना चाह रहे तो
तो मैंने क्या बताया, इसको क्या करिए आप पलट के इसमें आप गुणा कर लिए, दो वर्ष पहले पूछा ना ये, तो इसमें दो बार गुणा कर लिया आपको क्या देगा आंसर देगा। अगर यहां से इसका कैलकुलेशन करें कितना मिल जाएगा 121 मिल जाएगा, इसको यहां से डिवाइड कर दो तो कितनी बार में कट जाएगी 20 बार में कट जाएगी। अब इन सभी का क्या करिए आपस में गुणा कर लिए, अगर इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 2000 रुपए आपको, यानी आपको ये पता चल यहाँ पे राशि कितना थी 2000 रुपए, तो सी ऑप्शन किसका मैच करें। ठीक है, इस तरह से आप क्या करें एग्जाम में ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, इस क्वेश्चन में ये पूछेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, इसमें बात किसकी हो रही है, वर्ष और गुना की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए वर्ष लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करिए वर्ष लिख लीजिए और यहाँ पे क्या करिए आप गुना लिख लीजिए। क्या कहा गया क्वेश्चन में, 5 वर्षों में कितना हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। आप यहाँ से क्या करिए वर्ष के सामने आप यहाँ पे वर्ष लिख लिए और कितना गुनी हो जा रही, 2 गुनी, तो आप यहां से लिख लीजिए 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो फिर क्या कहा गया, 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी उसी राशि को 8 गुना होने में यहां से कितना समय लगेगा, इस क्वेश्चन ये पूछेगा। 5 गुना होने में कितना समय लग, सॉरी 2 गुना होने में कितना समय लग जा रहा है, 5 वर्ष लग जा रहा है, तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, इस क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता दूं, करना क्या आपको इसे यहाँ पे देखिए 2 है, हम लोग इसको इस तरह लिख सकते क्या, अगर यहाँ पे 2 है तो हमको क्या करें इसको 2 के फॉरवर्ड के रूप में लिखना, तो क्या आप इसको इस तरह लिख सकते क्या 2 की पावर 3 कर सकते हैं, अगर आप इससे प्रसार करें आपको फिर कितना मिल जाएगा 8 मिलेगा। ठीक है, मैंने इसको इसलिए लिखा ताकि मुझे ये चीज आप मिल जाए। ठीक है, ये चीज मुझे मिल जाए, यहाँ पे देखिए मिलेगी नहीं मिली। अब इसके बाद करना क्या, जो भी पावर मिलेगी इससे क्या करिए आप इसमें गुणा कर लीजिए, जो भी पावर मिलेगी इसमें ला के आप गुणा कर दीजिए, अगर इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो कितना 5 गुणे 3 कितना मिल जाएगा 15 आपको मिल जाएगा। ठीक, अर्थात आप बता सकते हैं कि उस राशि को 8 गुना होने में कितना समय लग जाएगा, 15 वर्ष लग जाएगा, तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दे है जिसका ब्याज लगातार 2 वर्षों में क्रमशः 900 तथा 981 है तो ब्याज की दर कितनी है, इस क्वेश्चन ये पूछेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखा देना चाहता हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया क्या, जैसे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए क्या 1 वर्ष का ब्याज कितना मिला है 400 रुपए मिल रहा है, लेकिन अगले वर्ष का ब्याज देखा है यहाँ से कितना हो जाएगा 440 रुपए हो जाएगा, यही आपके क्वेश्चन में कहा गया। लगातार 2 वर्षों का ब्याज आपको दे दिया, पहले वर्ष का ब्याज कितना 900 रुपए है और अगले वर्ष का ब्याज कितना है 981 रुपए, यही चीज आपको यहाँ पे दिया है, पहले वर्ष का ब्याज कितना है 400 रुपए है और अगले वर्ष का ब्याज कितना 440 रुपए। तो इसमें आपसे पूछा है कि ब्याज की दर पूछा है, वैसे हमको इसमें पता है, अगर हम लोग मान लेंगे पल के लिए हमको नहीं पता है तो कैसे आप बताएंगे, मैं आपको तरीका बताऊं, ये जो ब्याज ये जो पैसा बन रहा है ये इसी पे बनाएंगे, जो 40 रुपए बन रहा है इसी पे तो बन रहा है, ये जो 40 रुपए आपको मिल रहा है किस पे मिल रहा है, इसी पे मिल रहा है, ये इसके लिए क्या करेगा मूलधन का काम करेगा नहीं करेगा, इसके लिए मूलधन का काम करेगा, आप यहां से दर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप यहां से क्या कर सकते हैं दर निकाल सकते हैं, तो यहां से 40 रुपए हो जाएगा और ये मूलधन का काम कर रहा है, तो आप इसको क्या करिए नीचे लिख लिए और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा गई, तो यहां से ये 00 से 00 कट गया, यहां से काट देंगे दर कितनी आ गई 10% आ गई, वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दर कितनी है 10% की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दर बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ से घटा देंगे, अगर ये 1 वर्ष का है और ये 2 वर्ष का है, ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ से घटा देंगे, आप इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 1 वर्ष का ब्याज हो गया 900 रुपए और अगले वर्ष का ब्याज कितना होगा यहाँ से 900 तो होगा ही प्लस कितना होगा यहाँ से 81 रुपए, इसी तरह तो मैं क्वेश्चन उन्होंने बताया था, ये जो ब्याज बन रहा है किस पर बन रहा है, इस पर बन रहा है, तो बताना है कि आपको दर बताना, आप यहां से लिख सकते हैं कि दर बराबर 81/ कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा, ये 00 से 00 कट गया, इसको यहां से काट दो तो कितना हो जाएगा 99/81 कितना हो जाएगा 9% आ गए, ये आपको ब्याज पता चलिए ब्याज कितनी है 9% वार्षिक है, तो डी ऑप्शन किसका मैच किया। ठीक है, वैसे आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते थे, यही से इन दोनों का अंतर करिए, इन दोनों का अंतर करिए कितना 81 क्या मिल गया, अब इससे क्या करिए इसमें भाग दीजिए और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लिया आपको क्या देगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किस राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए होगा, इस क्वेश्चन ये पूछेगा।
इस क्वेश्चन में क्या कहा गया एक बार आपको पढ़ के फिर से सुना दे रहा हूं। किस राशि पर 6% वार्षिक दर ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना होगा, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम लोग मान लें कि मानव राशि कितना 100 रुपए है, अगर हम लोग मान लें कि मानव राशि कितना है 100 रुपया है, तो आप यहां से लिख लीजिए राशि कितनी है 100 रुपए है। अब देखिए इसमें आपको दर दे दी गई, दर कितना दी 6% और समय कितना दिया आपको 2 वर्ष दिया। हम लोग क्या करें क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले समय लिख लिया 1 वर्ष हो गया और ये 2 वर्ष हो गया, मूलधन आपको पता चल गया और दर कितनी है इतना। अगर आप इसके हिसाब से ब्याज निकालेंगे तो पहले वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, इसका 6% कितना आएगा 6 रुपया आएगा नहीं आएगा। जैसे आप अगले साल में एंट्री करें फिर आपका कितना यहाँ से बनेगा ब्याज 6 रुपया आपका ब्याज बनेगा। लेकिन आपको ये पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज बनता है। जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करें 6 रुपये तो ब्याज का बनेगा ही आपका, लेकिन जो पिछले साल का ब्याज है इस पर भी ब्याज आपका बनेगा और दर कितनी यहाँ से 6%। अगर आप 6 रुपये का 6% निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना आपको मिलेगा। ठीक है, वैसे आप निकाल के कहीं साइड में चेक कर सकते हैं, 6 का करना है क्या आपको इतना निकालना है। अगर आप इसे सॉल्व करें तो इसका मान कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना क्लियर है। अब कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आप इन सभी को जोड़ लेंगे, अगर आप इन तीनों को जोड़ लें क्या मिल जाए आपको CI आपको मिलेगा, क्या मिल जाए आपको CI आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, SI भी साधारण ब्याज आपको मिलेगा। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या पता चलिए, CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता चल जाएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज आपको मिलेगा। तो दोनों में फर्क क्या है, CI और SI में फर्क क्या है, यही तो अंतर है। दोनों में क्या अंतर है, यही अंतर है। कितने का अंतर है, यही अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया, 72 रुपए दिए। लेकिन यहां से देखिए अंतर कितना, इतना 10.36। इस अंतर से इस अंतर में क्या करना, भाग दे दीजिए। मैंने क्या बताया, इस अंतर से इस अंतर में क्या करिए, भाग दीजिए। अगर आप इससे इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिए, आप ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे 2 अंक पे दशमलव, सबसे पहले क्या करें, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या कर दिए, 100 से गुणा कर दिए। 2 अंक पे दशमलव तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर सकते हैं ताकि दशमलव हट जाए। अब यहाँ पे 00 तो दशमलव यहाँ से क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। ठीक है, अब अपने दिमाग से निकाल, यहाँ पे दशमलव नहीं है। अगर इसको यहाँ से डिवाइड कर दो तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। आपके पास ये तीनों बच गए, इन सभी का आपस में क्या करिए, गुणा कर लीजिए। अगर इन सभी का आपस में गुणा करें कितना मिल जाए आपको, 2000 रुपया आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सॉरी यहाँ पे देखिए 1 जीरो और रहेगा, यहाँ पे 1 जीरो और रहेगा, कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। तो सी ऑप्शन किसका, मैच है। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया, 25,000 रुपए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में यदि ब्याज की दर क्रमशः 4% और 5% वार्षिक हो तो कितना ब्याज होगा, इस क्वेश्चन ने आपसे ये पूछे गए। इसमें आपको क्या दे दिया, मूलधन दे दिया गया और समय दे दिया गया और दर क्या अलग अलग आपको दे दिए। तो प्रश्न आपसे जानना के चार कितना ब्याज होगा, यानी कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, इस क्वेश्चन ये पूछे गए। तो मैंने वो क्या बताया, क्वेश्चन में पहला को क्या बताया, क्या कौन सा बताया, सबसे पहले ये चेक करिए समय कितना दिया, 2 वर्ष दिया। क्या करिए आप यहाँ से 2 वर्ष आप इस तरह से लिख दिए। अब ये देखिए पहले वर्ष में ब्याज कितना है, 4% है, यानी पहले वर्ष में दर कितनी है 4%। तो पूरे धन पे कितना ब्याज बनेगा, 4% ब्याज बनेगा। अगर आप इसका 4% निकालेंगे तो यहाँ से 00 100 कट जाएगा ये। अगर आप यहाँ से क्या करें, इस तरह से करेंगे, निकल 25,000 और क्या कर देंगे 4%, ये 00 से 00 करिए, यही मैंने आपको यहाँ पे 00 आपको डायरेक्ट काट दे रहा हूँ। तो करना है कि इसका यहाँ से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 25 चौको 100 हो गया, 25 चौको 100 हो गया। लेकिन अभी 1 जीरो बचा है, 1 जीरो आपका यहाँ से बचा है, इतना क्लियर है। लेकिन अब जैसे दूसरे साल में एंट्री करें, अब दर आपकी क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 1000 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब दर क्या हो गई, चेंज हो गई, दर आपकी चेंज हो गई। अब इसका करना क्या, इस पूरे धन का क्या करना है, आपको 5% निकालना है। अगर आप इसका 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1250 रुपये आएगा, कितना आ जाएगा, 1250 रुपये आएगा। जैसे आप क्या करेंगे, दूसरे साल में एंट्री करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इतना ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस पर भी ब्याज आपका बनेगा और दर कितनी हो गई, अब 5% हो गई। इसका करना क्या, 5% निकालिए। अगर आप इसका 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा ये, कितना आ जाएगा, 50 रुपये आ जाएगा। कितना रुपया ब्याज बनेगा, 50 रुपये ब्याज बनेगा। जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करें आपको ये ब्याज तो बनेगा ही,
लेकिन जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस वाले ब्याज आपका बनेगा, और दर कितनी है 5%। इसका 5% कितना आ जाएगा 50। अब करना क्या, इन तीनों को जोड़ लीजिए, आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 2300 रुपया आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा आपको 2300 रुपया आपको मिल जाएगा। ये आपका क्या गया आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, यदि क्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ चौथाई हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर क्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ क्या हो जा रहा है 1/4, में चौथाई का मतलब कितना 1/4 हो जाता है। तो पूछा कि लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अगर हम लोग मान लें कि माना उस वस्तु क्रय मूल्य कितना रहेगा 100%, माना क्रय मूल्य कितना है उस वस्तु क्रय मूल्य कितना, ये 100% मीन 100 रुपया। अब कहा क्या, कंडीशन क्या है, क्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ क्या होता है चौथाई हो जाता है। तो लाभ क्या होता है चौथाई होता है। आप यहां से लाभ बता सकते हैं कि क्रय मूल्य को अगर दोगुना कर दिए, इस कंडीशन है कि क्रय मूल्य को कितना कर दिया जाए दोगुना कर दिया जाए, तो जो लाभ है इसका कितना हो जाता है चौथाई हो जाता है। आप यहां से क्या करें, इसे 1/4 आप निकाल लीजिए। अगर इसको यहां से काट दो तो 4×5 20 हो गया, कितनी बार कटिए 50 बार में कट जाएगा। अर्थात किसी वस्तु को इतने रुपए में खरीद कर, ठीक है, इतने रुपए में खरीदा और 50% 50 रुपए लाभ पर बेच दिया, तो पूछे कि उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। ठीक है, आप बता सकते हैं, आपको ये फार्मूला पता है कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है लाभ बटी क्रय मूल्य और इंटू क्या होता है 100 होता है। तो लाभ आपको पता है कितने रुपए का लाभ हो रहा है 50 रुपए का लाभ हो रहा है, और क्रय मूल्य भी आपको पता है। तो आप यहां से क्या करिए 100 कर लिए और इंटू कितना हो गया 100 हो गया, इससे ये कट गया, यहां से बचा कितना आपका 50% का लाभ। अर्थात आप बता सकते कि उसे कितने परसेंट का लाभ हो गया 50% का लाभ हो गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में करने के एक बार आपको फिर से बता रहा हूं, अगर हम मान लें कि मानव स्वास्थ्य क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, जो लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य का दोगुना कितना चौथाई हो रहा है, और लाभ जो हो रहा है क्रय मूल्य के दोगुना का चौथाई हो रहा है यानी 50 रुपए का लाभ हो रहा है। इसी लाभ को क्या बताना, आपको प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है लाभ बटी क्रय मूल्य और इंटू कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया, पी 35 घंटे की यात्रा करता है, वह आधी यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा मीन 30 किलोमीटर प्रति आवर्स तथा आधी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति आवर्स से तय करता है, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, सिर्फ एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं मान लो यहां से यहाँ के बीच कुछ दूरी है, यहां से यहाँ के बीच की कुछ दूरी है, अब इसमें ये कहा गया कि ये आधी दूरी क्या करा, इस चाल से चला, ये आधी दूरी किस चाल से चला, ये 35 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चल रहा है। जो शेष आधी दूरी है ये किस चाल से चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चल रहा है। ठीक है, अलग अलग चाल से चला, तो यहां से यहां जाने में इसे कुल कितना समय लग जा रही है, 35 घंटे लग जा रहा है। कुल समय कितना लग जा रहा है इसे, 35 घंटे लग जा रहा है। तो प्रश्न में पूछा है कि यहां से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप यहाँ से लिख लीजिए कि दूरी अगर पता करना तो क्या करें, आप यहाँ से सबसे पहले क्या करिए, आप इसको क्या करिए, आप 2 से गुणा कर लीजिए। क्या करना, 2 लिखना होगा। अब इसके बाद करना क्या, चालों का गुणा कर लीजिए। चालों का गुणा कितना हो गया, यहाँ से 30 गुणे कितना हो गया 40 हो गया। अब नीचे क्या करना, आपको चालों को ऐड कर लेना है। नीचे क्या करना, आपको चालों को ऐड कर लेना। अगर चालों को ऐड कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या करना, अगर आधी आधी दूरी की बात होगी तो आपको क्या करना, इसमें 2 से मल्टीपल करना होगा। अब चालों को क्या करना, आपको गुणा कर लेना है और नीचे क्या करना, चालों को ऐड कर लेना है। अब इनटू क्या करना, जो भी समय लग रहा है आपको क्या करना, यहाँ से आप लिख लीजिए। अब इसको यहाँ से डिवाइड कर दो तो 35 गुणा 70 हो गया। इसको यहाँ से काट दो, 2 से 2 कट गया, इसका मल्टीपल कर लिए तो कितना हो गया, 4×3 12 कितना आ जाएगा, 412 आ जाएगा, सॉरी 1200 आ जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि वह दूरी कितनी है, 1200 किलोमीटर है। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।